सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को दुर्गा की बधाई देता हूँ. कॉन्ग्रेट्स देम फॉर कंप्लीटिंग 200 एपिसोड्स. प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और द होल टीम. आई तो जॉइंट रिसेंटली लाइक 2-3 मंथ्स बैक. दे रियली वर्क हार्ड. द लीड ऑल्सो, यंग किड्स ऑल्सो जो पहले थे इसमें और जो अब कपल आए, आई हर्ड कि मतलब वो काफ़ी वक्त तक शूटिंग करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए. ये थोड़ा पर्सनल सवाल है. ऐसा कुछ नहीं है. फ्रैंकली स्पीकिंग, एक्टर के पास जो भी ऑफर्स आते हैं उसमें से उसको फटाक से चूज़ करना पड़ता है आजकल, नहीं तो बहुत जल्दी वो दूसरे के पास चला जाता है. जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो दो प्रोड्यूसर हैं, प्रदीप और रविंद्र गौतम, वो दोनों मेरे बड़े पुराने मित्र रहे हैं और दोनों को पुराने इंडस्ट्री में, और मैं भी कुछ वक्त हो गया अब इस इंडस्ट्री में, तो जब इनकी तरफ से कॉल आया कि एक ऐसे ऐसे कैरेक्टर है करने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन लोगों ने याद किया. और आई थिंक सिर्फ यही वजह है करने की. तो आपको इस डिफ़िकल्टी थोड़ी सी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं पिछले कुछ 3 साल से एक दूसरा शो कर रहा था, उड़ान कलर्स का शो, जिसमें मैं बहुत ही गरीब की भूमिका निभा रहा था. उससे पहले मैं कोट पेंट वाले रोल किया करता था, तो अब थोड़ा अपर स्टेटस था कहानी में और बड़ा ही क्लीन शेव, नीट एंड क्लीन टाइप आदमी था, जैसा मैं था. बट उड़ान में मैंने पूरी अपनी इमेज चेंज की और फिर इसको करने के लिए वापस नीट एंड क्लीन और पूरा सूट बूट में कैरेक्टर आया. और अभी तो उसने एक और फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं कहेंगे, कहानी में एक और नया ट्विस्ट आया कि फर्दर दिखाया कि मेरी बीवी जो है वो तो राजघराने की हैं, तो और भी रॉयल फैमिली से हैं जो मतलब मुझ पर थोड़ा सा दबाव बना के रखती हैं. ऐसा कुछ है जो धीरे धीरे कहानी खुलेगी, मुझे भी उतना ही समझ में आएगा, उतना ही शायद आप सबको भी. सर, हाउ स्पेशल डू यू फील टुडे, बिकॉज़ 200 एपिसोड्स कंप्लीट करना इज नॉट अ बिग थिंग, लाइक इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. यस यस यस. एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो, हाउ स्पेशल. स्पेशली आजकल के वक्त में जब कुछ चैनल्स पे शो 3 या 4 महीने में बंद हो जाते हैं, और 200 कंप्लीट करना, वो भी इवनिंग स्लॉट में, और अच्छी TRP है. और मैं तो कल ही जब प्रोड्यूसर साहब का एक मैसेज आया, देन आई रिवर्ट बैक कि आई होप कि 1000 एपिसोड भी हम लोग इकट्ठे ही सेलिब्रेट करेंगे, और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. और ये अभी तो काफ़ी स्कोप है शो के अंदर. हाँ, थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ. और थैंक यू सो मच, आप सब ने हमें इतना प्यार दिया, आप हम सब के साथ में यहाँ तक आए, हमें यहाँ तक लेकर आए हो. सो बिग थैंक्स टू आवर व्यूअर्स जिन्होंने हमारा शो देखा, हम सबको पसंद किया, और उनके अलावा हमारी पूरी टीम को भी क्रेडिट जाता है. सो थैंक्स टू एवरी वन. अभी शिल्पा चौधरी हरियाणा की पटोला है, मतलब वो सज धज के रहती है एकदम, कि यू नो लड़के आगे पीछे घूमें, और थोड़ी लड़ाकू है, थोड़ी झगड़ालू है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग कम है. वो कुछ भी करने जाती है वो उल्टा हो जाता है, और दुर्गा के खिलाफ बहुत सारी साजिशें रचती है, दुर्गा के खिलाफ, अमृता के खिलाफ, सबके खिलाफ इस टाइप की. टोटली ऑपोजिट, मैं अपनी बहनों के खिलाफ कोई साजिश नहीं रचती. मैं अपनी सब, मतलब हम 3 बहनें हैं और उसमें सबसे छोटी मैं हूँ, तो मैं इस टाइप की रही हूँ कि यार बहनों के साथ में रहना, यू नो मिलजुल के इस टाइप का प्यार से. अगर आप आज के आपके पार्टी वेयर की बात करें तो कितना डिफरेंट है बाकी पार्टी वेयर से? डिफरेंस मैं ये कहूँगी कि आई एक्चुअली चूज टू वेयर ब्लैक. मेरा ब्लैक फेवरेट है, पिंक भी मेरा फेवरेट है, बट ब्लैक कम्स ऑन टॉप. तो उसके हिसाब से आज आई एम वेयरिंग पिंक, तो टोटली डिफरेंट है. और बस देखो, आई होप मैं आज अच्छी लग रही हूँ और सब मुझे अच्छा बोले. अच्छा, मतलब आप टोटली आज पार्टी मोड में हैं. बिल्कुल.
कितना धमाल होने वाला है आज रात? बहुत ज्यादा धमाल होने वाला है. उसके लिए तो अभी जैसे स्टार्ट ही हुआ है तो आपको वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम कितना अच्छे से पार्टी करते हैं और क्या करते हैं क्या नहीं करते. As you mentioned, your dress is pink and even we can see it, but yes. Can you just mention it in detail because we can see a bag, you know, wo bhi kaafi acha hai. Okay, so sabse pehle, so you want me to pose for that? Yeah, sure. Yeah. I'll do that, okay. So here comes my bag. शिल्पा ऐसी बिल्कुल नहीं है. शिल्पा थोड़ा ढके ढकाए कपड़े पहनती है, बट ठीक है, अब आशना का वो आ गया है और पार्टी मोड है तो ठीक है, ऐसे बनता ही है. एक्चुअली मैचिंग मेरा इतना ज़्यादा वैसे रहता नहीं है, बट आज ये मेरा पर्स बहुत टाइम से अंदर पड़ा हुआ था. माई बेबी वॉज इन साइड माई वॉर्डरोब, सो मैंने सोचा कि इसे थोड़ा कैरी कर लिया जाए, क्या पता सबको अच्छा लग जाए. फैंस के लिए आई लव यू ऑल सो मच. ये आप सबके लिए कि आपने मुझे शिल्पा के रूप में अपनाया और हमारे शो को इतना ज़्यादा प्यार दिया. ऐसे प्यार करते रहो हम सबको और ऐसे ही एपिसोड्स बढ़ाते रहो. हम 300 एपिसोड्स की पार्टी देंगे, 500 और आगे अगर आपने चाहा तो बढ़ता रहेगा ऐसे. थैंक यू सो मच. तो आज पूरे आप पार्टी मूड में आए हैं एंड आपके 200 एपिसोड्स कंप्लीट हुए, कितने खुश हैं आप? मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने ना बनाना हवर पहले ही रेडी होना स्टार्ट कर दिया. अच्छा, आपका ड्रेस काफ़ी पार्टी ड्रेस लग रहा है आज, मतलब फुल पार्टी की तैयारी में हो, फुल धमाका आज छा जाने वाला है. धमाका छोटा पैकेट बड़ा धमाका. मेरे लिए ये दुर्गा का कैरेक्टर तो बहुत डिफरेंट था क्योंकि अब तक मैंने जो भी रोल्स किए थे वो लाइक एकदम मॉडर्न थे और ये एक गांव की एक बहुत लाइक मिस्चीवियस लड़की थी जो हमेशा पढ़ाई छोड़कर पतंग के पीछे भाग जाती है, इसलिए मैं ये रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. मेरी दुर्गा को हमेशा देखते रहना और मेरी दुर्गा देखना कभी मत छोड़ना. ओके okay?